हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिल्ली के पूर्व विधायक कपिल मिश्रा के बारे में बताने जा रहे हैं। कपिल मिश्रा का जन्म 13 नवंबर 1980 को दिल्ली में हुआ। वह मूल रूप से आनंद विहार के रहने वाले हैं। कपिल मिश्रा के पिता का नाम रामेश्वर मिश्रा है तथा माता का नाम अन्नपूर्णा मिश्रा है। कपिल मिश्रा की शादी प्रीति मिश्रा से हुई थी। इन दोनों के दो बच्चे हैं। कपिल मिश्रा की शिक्षा दीक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई। कपिल मिश्रा भारतीय राजनेता हैं। उन्होंने सन 2012 में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्हें बाद में 2015 में केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उन्होंने बाद में केजरीवाल के ऊपर 2 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप लगाया, जहां उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के साथ नजर आए। बाद में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। मॉडल टाउन विधानसभा से उम्मीदवार बनाया था, जहां उन्हें मोहन सिंह बिष्ट ने उन्हें हरा दिया। हाल ही में 25 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे पर दिल्ली में काफी हिंसा हुई थी, जिसके पीछे कुछ लोगों ने कपिल मिश्रा के ऊपर आरोप लगाया। कपिल मिश्रा के ऊपर सांसद गौतम गंभीर ने भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कपिल हो या कोई भी नेता हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हिंसा में ताहिर हुसैन आप नेता व पार्षद का हाथ बताया जा रहा है। वहीं आप नेता केजरीवाल ने कहा, अगर ताहिर हुसैन दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर दुगनी कार्रवाई की जाए। आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।